हेलो एवरीवन, कैसा का है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। एंड जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा, उस ट्रिक्स या कंसेप्ट से आप इस पे बेस्ड आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे और बहुत कम कैलकुलेशन करके भी कर लोगे। तो ध्यान से समझो। सबसे पहले अगर हम बात करें हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में HUP से लिखूंगा, राइट। और इसका क्या कहना था कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम एट ए टाइम हम नहीं बता सकते, और अगर आप बताएंगे तो एरर आएगा। वो एरर H/4π, ये एक फिक्स नंबर हो गया, इससे ग्रेटर या इक्वल होगा, ये उसका कहना था। H की वैल्यू आपको मालूम है 6.6 × 10⁻³⁴ अपॉन 4, तो एक नंबर है, और पाई 3.14, तो ये नंबर कैलकुलेट कर लो, इससे ग्रेटर या इक्वल आएगा एरर, ये उनका कहना था। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स चेंज इन पोजीशन और डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम, इन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर इक्वल होगा H/4π से। इस पे बेस प्रॉब्लम आते हैं, बस ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो वेरी सिंपल है ये। सिमिलरली ये तब यूज करना जब आपको पोजीशन और मोमेंटम के बारे में गिवन हो। अगर पोजीशन एंड वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो तो कैसे करेंगे, वी नो मोमेंटम जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो अगर मैं चेंजेस लगाऊं तो डेल्टा पी इज इक्वल टू मास में चेंजेस तो होगा नहीं, राइट, तो एम बाहर आ जाएंगे डेल्टा वी, तो इसलिए इसको यहां पुट कर देंगे, तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर इक्वल H/4π। तो ये तब यूज करेंगे जब आपको पोजीशन और वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एनर्जी और टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी ऑलवेज H/4π से ग्रेटर होगा। और कैसे, तो यू नो एनर्जी जो होता है वो F.x हो जाएगा, राइट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को क्या लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा ET इज इक्वल टू MvX, डेल्टा ई डेल्टा टी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी डेल्टा एक्स, एम डेल्टा वी डेल्टा एक्स क्या H/4π, तो वही सेम बात है, राइट। तो ये भी हो सकता है। यहाँ पे एक पॉइंट और समझना है, डेल्टा वी आप कैसे निकाल सकते हो, अगर वेलोसिटी गिवन है तो उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर वी इंटू परसेंटेज एरर से भी मल्टीप्लाई कर दोगे, तो चूंकि वी नो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, कितना चेंज हुआ, राइट, डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी इंटू 100, चूंकि परसेंटेज की बात करेंगे तो ऑलवेज इंटू 100 में हम बात कर रहे हैं। तो ये है आपका HUP, और यही तीन फार्मूला जिस पे बेस्ट प्रॉब्लम आएंगे अभी हम एप्लीकेशन में देखेंगे भी। सेकेंड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलूँगा PEE। इसको एक सिंपल हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कर लो ये ब्लॉक है 10 kg का, और ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है। जब तक आप इसको 10 N का फोर्स नहीं दोगे, ये ब्लॉक वहाँ से स्लाइड नहीं होगा। तो क्या होगा, आप ध्यान से देखो, अगर जब तक आप 1 N, 2 N, 3 N, जब तक आप 10 से कम फोर्स लगाओगे, ये ब्लॉक वहीं पर रहेगा। 10 से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये ब्लॉक वहाँ से मूव करने लगेगा। तो वही एग्जैक्टली सेम कंडीशन यहाँ पे भी होता है कि ये मेटल की सरफेस है, इस पर कोई लाइट इंसिडेंट हुई तो उसके पास फ्रीक्वेंसी है, उसके पास वेवलेंथ है, डेट मीन्स एनर्जी ट्रांसफ़र होता है इस मेटल के इलेक्ट्रॉन को। और अगर वो इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है जो उसको पकड़े हुई है, उससे अगर ज़्यादा हो गया आपकी एनर्जी, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा और एक्स्ट्रा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चला जाता है। इसलिए इसका फार्मूला है इंसिडेंट एनर्जी जो आप दे रहे हो, डैट इज इक्वल टू E0, मतलब वो बाइंडिंग एनर्जी, राइट, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाउंडेड है, तो वो उतना तो चाहिए ही, और अगर एक्स्ट्रा दे दिया, इससे ज़्यादा दे दिया, तो वो काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। और वी नो HC/λI मतलब इंसिडेंट, HC/λ0 जो उसका होगा, राइट, और प्लस KE या HF इंसिडेंट, HF0 KE। तो इसलिए हम इन जनरल क्या लिख सकते हैं कि जो भी एनर्जी हम देंगे उसमें से कुछ एनर्जी फाई मतलब वर्क फंक्शन, डैट मीन्स उस मेटल की बॉन्डिंग एनर्जी में चला जाएगा, और एक्स्ट्रा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में। इसीलिए कहीं कहीं पे क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जा सकता है कि वो कंडीशन बताओ जहाँ पे जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होगा, डैट मीन्स आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी को जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, तो इंसिडेंट एनर्जी क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन के बराबर, ऐसे। या दूसरा और कैसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ बताओ, चूंकि मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब क्या हो गया, मिनिमम एनर्जी, तो मिनिमम एनर्जी क्या हो सकती है, जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो, तो अगेन EI E0 के बराबर होगा। तो ये सब पॉइंट्स आपको समझना है कि यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी को जीरो करना है, और हम कैसे एनर्जी निकाल सकते हैं अगर वेवलेंथ गिवन हो, तो HC/λ0 से इसकी वैल्यू अगर पुट करूँ तो 1240 λ, नैनोमीटर में पुट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
राइट। इन सब केस में आपको क्या बनाना है, काइनेटिक एनर्जी को जीरो। अगर ग्राफ की बात करें, इसको वाई एक्सिस पे लेते हैं तो ये सम कांस्टेंट, और इसको एक्स एक्सिस पे, तो ये इस टाइप से ग्राफ होगा एनर्जी वर्सेज काइनेटिक एनर्जी का, राइट। तो ये क्लियर होना चाहिए। जहाँ पे भी नॉट लगा हुआ है मतलब वो थ्रेशोल्ड वर्ड यूज कर सकता है, एक ही बात है, डरना नहीं है, वही वो बाउंड्री कंडीशन है, वही वो लिमिटिंग कंडीशन है। अगेन इस पर बेस्ट प्रॉब्लम कैसे आते हैं उसको मैं डिस्कस करता हूँ अप्लीकेशन में। क्वेश्चन नंबर वन में मिनिमम अनसर्टेनिटी बताना है इन ए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए रीजन ऑफ टू टाइम्स बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो यू नो यहाँ पे स्पीड पूछा है और आपको डिस्टेंस के बारे में गिवन है, तो फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर इक्वल एच अपॉन फोर पाई। चूंकि यहाँ पे मिनिमम अनसर्टेनिटी की बात कर रहा है इसलिए मिनिमम वैल्यू एच अपॉन फोर पाई ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई, राइट। चूंकि h अपन 4 पाई की वैल्यू आपको मालूम है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, डेल्टा वी आपसे पूछा गया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है, और डेल्टा x आपको गिवन है 2 टाइम्स ऑफ बोर ऑर्बिट। तो डेल्टा x कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ बोर ऑर्बिट मतलब 53 पिकोमीटर, ऐसा यूनिट में 10^-12 मीटर होगा। अब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो h की वैल्यू हो गई 6.6 इंटू 10^-34 डिवाइडेड बाय 4 पाई की वैल्यू 3.14, राइट। मास हो गया 9×10^-31 kg, और डेल्टा वी आपका यहाँ से निकला हुआ है, ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाएगा, 106×10^-12। हमारा जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन सारे जो हैं वो किलोमीटर में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 10^3 से और डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले मैं 10^ का एडजस्ट करता हूँ, ध्यान से देखो 31 और 12 कितने हो गए, 43, जिसमें से 3 गया तो 10^40 हुआ, तो राइट। तो ये सब निकल करके ऊपर में कितना हो गया, 10^40, ये निकल जाएंगे तो कितना हो गया, 10^6। अब ध्यान से देखो कैसे करते हैं, 106 को मैं 100 ले सकता हूँ, तो इससे ये कितना बचेगा, 10^4। 9 को भी मैं 10 ले सकता हूँ, तो इससे कितना बचेगा, 10^3। ऐसे आपको अप्रॉक्स कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 4×3 = 12, तो ये 1 और ये 2 टाइम्स में 1/2×10^3 है, डेट इज अप्रॉक्स में कितना हो गया, 500 किलोमीटर पर सेकंड, 500 के आसपास, ध्यान से देखो एक ही है, चूंकि हमने अप्रॉक्स किया इसलिए 550 कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर टू में, क्वेश्चन में डेल्टा वी दे दिया था, डेल्टा एक्स मैंने उस टाइप से नहीं लिखा है, जस्ट जो जो गिवन था, डेल्टा वी दे दिया, डेल्टा एक्स दे दिया, तो मास ग्राम में पूछा जा रहा है, तो अभी सी बात है फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर इक्वल एच अपॉन फोर पाई। ध्यान रहे मास ग्राम में निकालना है, सब ऐसा यूनिट में गिवन है, तो इट्स ओके, आप पुट कर दीजिए, तो कितना आएगा, ध्यान से देखो कि डेल्टा एक्स आपका है 10^-7, राइट, डेल्टा वी 2.4×10^-26, और मास तो हमें निकालना है बट ये केजी में आएगा, ध्यान रहे, इज इक्वल टू एच 6.6×10^-34/4×3.14। तो यहाँ से मास आएगा, तो ध्यान से देखो 26 और 7 कितने हो गए, 33, तो ये एक 10^-1 बचेगा, राइट, तो यहाँ पे हो जाएगा 10^-1। तो यहाँ से, और चूंकि मास केजी में आता तो हमें ग्राम में ले जाना है, तो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो एम क्या हो जाएगा डायरेक्ट ग्राम में, ध्यान से देखो 6.6×10^-1, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, नीचे में 4×3.14 2.4। अब हमारे पास ऑप्शन है, ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, पहले तो इससे ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, राइट, अभी बताया 4×3 = 12 और ये 6, तो ये 2 टर्म्स में, तो ये अप्रॉक्स में कितना हो गया, ध्यान से देखो तो ये 2×2 = 4 और 2×4 = 8, 1/4.8×, ऊपर में कितना बचा ध्यान से देखो तो 100, तो ये कितना हो गया, 20 के आसपास आ रहा है, राइट, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन है, कैसे, 4.8 को 5 ले सकता हूँ, तो 5 से ये 20 टर्म्स में, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। इस टाइप से आपको करना है अप्रॉक्स कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को देख करके डरना नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन वेलोसिटी आपको गिवन है, अनसर्टेनिटी गिवन है 0.02%, तो डेल्टा एक्स बताना है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वही सेम पॉइंट, वी है, डेल्टा एक्स है, तो अभी बताया डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी किसके बराबर हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई के,
बस अगेन कैलकुलेशन है, ध्यान से देखना सब ऐसा यूनिट में राइट, तो हमें ऐसा यूनिट में पुट करना है। डेल्टा एक्स तो हमें निकालना ही था राइट। अब यहाँ पे हेच 6.6 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन 4, पाई की वैल्यू 3.14, और ये डिवाइड हो जाएंगे मास इलेक्ट्रॉन का कितना लोगे 9 इंटू 10 की पावर -31। डेल्टा भी यहाँ पे ध्यान देना, डेल्टा भी आप कैसे निकालेंगे, जो V है 5 इंटू 10 की पावर 6 और उसमें एरर 0.02% है, तो बाय 100। तो यहाँ से ध्यान से देखो तो ये 5 टू द वैसे 10 हो जाएगा, और ये 10 की पावर 6 है ही ऑलरेडी, और ये 10 की पावर ओवरऑल -4 हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 3। उसी को देने का दूसरा तरीका है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 10 की पावर 3। अगेन हमारे पास ऑप्शन सब हैं और पावर अलग अलग है, तो उससे ध्यान देना है। यहाँ पे 31 है राइट, तो 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -28। ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -6। अब ध्यान से देखना, ये अभी कैंसिल किया तो ये 2 टाइम्स में राइट, तो 2 टाइम्स में क्या, ये 9 को भी मैं 10 ले सकता हूँ, तो एक और पावर बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 10 की पावर -7। हमारा ऑप्शन ध्यान से देखो -7 तो है, लेकिन 1/2.5 हो रहा है, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं 0.50 इंटू 10 की पावर -7, या फिर इसी को 50 इंटू 10 की पावर -9। तो ये एक ही ऑप्शन ऐसा 10 की पावर 9 में और 58 के आसपास, चूँकि हमने अप्रॉक्स किया है, तो इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्टिकल का मास गिवन है आपको, डेल्टा एक्स गिवन है, डेल्टा वी निकालना है। अगेन ऑप्शन गिवन आपको, तो उससे चलेंगे। तो ध्यान से देखो तो सेम वही पॉइंट कि डेल्टा वी इंटू एम डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू एच अपॉन 4π राइट। बस ये ध्यान रखना ये ग्राम में, तो इसको केजी में ले जाना पड़ेगा, और हमें निकालना क्या डेल्टा वी, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू एच हो गया 6.6 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 राइट। मास 25 ग्राम है, उसको 10 की पावर -3 कर दिया हमने, और डेल्टा एक्स आपको गिवन था कितना है 10 की पावर -5। अगेन हम पहले पावर को देखेंगे 34, 34, 28, 30 है, तो पहले देखते हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखो तो ये कितना है 5 और 3 कितने हो गए 8, ऊपर गए तो +8 हो गए, तो ये +8 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये 34 में से 8 हटा दो तो कितना हो गया 10 की पावर -26, और ये कैंसिल होंगे, तो अभी आपको बताया ये अप्रॉक्स 2 टाइम्स में ये 25 टू द कितना हो गया 50, तो ये कितना हो गया 1/50 इंटू 10 की पावर -26 राइट। अब ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाएगा, इसको और करेंगे तो ये 0.02 इंटू 10 की पावर -26 होगा, जिसको मैं 2 इंटू 10 की पावर -28 लिख सकता हूँ, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है डेट इज सी। तो इस टाइप से आपको करना है विदाउट कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 5 में मेटल गिवन थे, सबका आपको वर्क फंक्शन गिवन था, तो कितने ऐसे मेटल होंगे जो 400 नैनोमीटर पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे, तो आपको डायरेक्ट बता रखा हूँ एनर्जी आप कैसे निकालेंगे 1240 बाय लेमडा नैनोमीटर में 400, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, और ये आपका 3.1, तो कितना आ जाएगा ये 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या बता रहा है कि वो सारे मेटल जिसका वर्क फंक्शन इससे कम होगा वही शो कर सकता है, क्यों, क्योंकि हमने इतना एनर्जी दिया ही है, तो इससे कम वाले कौन कौन है, ये हैं राइट, ये भी हैं, ये भी हैं, ये नहीं हो सकता ज़्यादा हो गया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो आंसर कितना हो जाएगा 3। इस टाइप से इंटीजर टाइप में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 6 में वर्क फंक्शन अगेन गिवन था लेमडा मैक्स, तो यू नो मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी, और मिनिमम की कंडीशन आपको बताया था कि फिर आपको E इज इक्वल टू क्या कर देना है E0, तो रिमूव एन इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर में बताना है, तो क्या हो जाएगा HC बाय लेमडा राइट इज इक्वल टू, आपको ध्यान रहे ये 6.63 इंटू 10 की पावर -19 ये जूल्स में, तो यहाँ पे ये पुट कर दो H की वैल्यू 6.63 10 की पावर -34 और C हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8। लेमडा आपको नैनोमीटर में निकालना है, बट अभी जो हमने ऐसा यूनिट पुट किया तो लेमडा मीटर में आएगा, तो ये 6.63 से ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 19 से ये कितना हो जाएगा -15 राइट, तो ये 8 से ये 10 की पावर -7, तो इधर ले जाओ तो लेमडा क्या हो जाएगा ध्यान से देखो सिर्फ 3 इंटू 10 की पावर -7, ये मीटर में है, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर दूं
तो ये कितना हो जाएगा 300 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर, नैनोमीटर में ये आ जाएगा राइट, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 की पावर माइनस 9 मीटर, तो आंसर हमारा लैम्डा कितना हो जाएगा 300। तो इस टाइप से इंटीजर टाइप में आपको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में मिनिमम एनर्जी बताना है अगर एफ नॉट आपको गिवन है। अगेन मिनिमम एनर्जी मतलब वही चीज़ हो गया, तो एच एफ नॉट की वैल्यू निकालना है आपको, तो 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और एफ नॉट गिवन है 1.3 इंटू 10 की पावर 15, सब ऐसा यूनिट में तो उसी में आ जाएगा। तो ध्यान से देखो ये कितने हो जाएंगे, 6.63 इंटू 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस में 19 हो जाएगा राइट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना के आसपास आएगा, और 10 से लेस रहेंगे, 10 की पावर माइनस 19 वाले और 10 से लेस वाले एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 में फाई वर्क फंक्शन आपको बताना था, लैम्डा इंसिडेंट आपको गिवन था 4000 एंगस्ट्रॉम में, वेलोसिटी आपको गिवन था उस इलेक्ट्रॉन का, और ये ऑप्शन गिवन थे। तो पहले ध्यान से देखो कि पहले जो ई आई है वो निकाल सकता हूँ 12400 क्योंकि एंगस्ट्रॉम में, और ये 4000, तो ये कितना आ जाएगा ध्यान से देखो, तो ये 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना हमने एनर्जी दिया, जिसमें काइनेटिक एनर्जी मैं निकाल सकता हूँ कैसे, हाफ एम वी स्क्वायर से, तो ये हो गया हाफ मास 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इलेक्ट्रॉन का, और वेलोसिटी का स्क्वायर तो 36 इंटू 10 की पावर 10, बट ध्यान रहे हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले जाना है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो 19 और 10 29 में से ये 30 बन गया, तो 10 की पावर माइनस 2 बच जाएगा राइट। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो कितना आ जाएगा, इस 9 को भी मैं 10 ले सकता हूँ, तो ये 10 की पावर माइनस 1 बच जाएंगे। तो ध्यान से देखो ये हो गया 1/2 1.6, ऊपर में अब कितना बचा 36 इंटू 10 की पावर माइनस 1 राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसको मैं चाहूँ तो 10 की पावर माइनस 1 कर सकता हूँ, 16 टू द 32 अप्रॉक्स में कैंसिल कर सकता हूँ मैं राइट, तो 32 तो ये 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो हमें एक बात क्लियर हो गया कि अब हमारा जो आंसर होगा, चूंकि E इज इक्वल टू जो फाई है प्लस के ई राइट, तो फाई निकालना है, तो फाई क्या हो जाएगा E माइनस के ई, E में से कुछ कम होगा, E की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो 3.1, इससे छोटा होना चाहिए। ध्यान से देखो ये तो बहुत छोटा हो गया, तो ये नहीं हो सकता, ये तो उससे ज़्यादा है नहीं हो सकता, ये उसी के इक्वल है नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन है डी। तो ऐसे करना है, कभी भी वो आपका कैलकुलेशन नहीं चेक करना चाहता है, वो आपका माइंड चेक करना चाहता है कि आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हो। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, हमने इस पे बेस सारे PYQ ऑलमोस्ट ले लिए हैं, और भी जो बचे हैं वो आप कर सकते हो, और इसी तरीके से बेटा आपको अप्रॉक्स कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन से नहीं डरना है। थैंक यू।